झारखंड की उपराजधानी दुमका के फूलो झानो चौक में दुमका सहित पूरे संथाल परगना में अवैध गतिविधियों एवं कारोबार गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ पूर्व मंत्री बीजेपी नेत्री डॉक्टर लुईस मरांडी के नेतृत्व में 120 घंटे का सत्याग्रह के चौथे दिन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। साहेबगंज में पदस्थापित दारोगा रूपा तिर्की हत्या वाली मामले में भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम आने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने प्राथमिकी में नाम तक दर्ज नहीं किया, जबकि रूपा तिर्की की मां ने आवेदन में पंकज मिश्रा को आरोपी बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, जब तक झामुमो शिव सोरेन, बसंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संथाल परगना से हटाया नहीं जाएगा, तब तक यहां के लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। भाजपा के सत्याग्रह आंदोलन में पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर, मिस्त्री सोरेन, अमिता रक्षित, परितोष सोरेन, अभिकांत ने सभा को संबोधित किया। चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बाउरी एवं सारठ विधायक रणधीर सिंह ने भी भाग लिया। विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा, जब से राज्य में हेमंत सोरेन की महागठबंधन वाली सरकार आई, तब से राज्य में राजस्व की लूट, बालू खनिज की तस्करी, हत्या, अवैध कारोबार फल फूल रहा है। वहीं राज्य की विधि व्यवस्था भी चरमरा गई। राज्य के युवा, गरीब, दलित महिला खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आए दिन राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सारे आम जज जैसे लोगों की हत्या हो जा रही है। यहां तक कि महिला पुलिसकर्मी भी राज्य में अब सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा, अभी भी हेमंत सरकार के पास वक्त है, राज्य हित में सरकार कार्य करना शुरू करे, नहीं तो भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने को बाध्य हो जाएगी। दुमका से अगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। इस तरह का जो धंधा यहाँ पे शुरू हो गया संथाल पटना में, क्या कहेंगे? जो कहना है सारे राज्य की जनता पहला कदम है। आंदोलन भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर कर भी करने वाले सरकार कोरोना के कारण कोरोना के आरटी ने इस प्रकार की बात पदाधिकारियों के खासे नाराज दिखे आप, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि हम सरकार नहीं व्यवस्था के तहत पॉलिटिकल पूर्ण बंद करके काम करें। आप बताइए ना, अभी दोनों लोग उनको आवेदन आवेदन पड़ रहे भाई, मार्च में किसी महिला के साथ रोजगार रखिए 17 तारीख को 18 तारीख को मेडिकल हो जाता है और उसके बाद 19 तारीख को शायद 165 पर बयान भी हो जाता है। तक अपराधी नहीं पकड़े हैं, घूम रहे हैं खुले क्योंकि वो जेएमएम के सचिव हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर पुलिस पार्टी के स्कूल की तरह गर्मी काम करेगी तो फिर लोगों की सुनवा नहीं किया जाएगा। तो शासन चालू है लोकतंत्र में, हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि सरकार चली गई और उस समय इनको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। उस समय भी ऐसे तमाम मुद्दों की जांच कराया जाएगा और जो उस समय गड़बड़ किया है उन्होंने उसको दंड दिया। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।